नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम नई मंजिलें का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम नई मंजिलें तामीर और तरक्की और अमन आश्ती की उन खुशगवार मंजिलों का सुराग देता है जिनसे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे मरकजी सरकार की मुरतब करदा तरक्याती स्कीमों से हमकिनार हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में शामिल तरक्याती मंजरनामे का अहवाल जानने से पहले पेश है एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। हनी मिशन के मिठास से पुलवामा के मगजबान मीठे इंकलाब से हमकिनार। वजीर अजम के तरक्याती पैकेज के तहत कुलगाम में बाग मालकान के लिए पैकेज और ग्रेडिंग शेड्यूल की तामीर। जहानत, लगन और खुद एतमादी के तमगों से आरास्ता डाउनटाउन श्रीनगर की जमरूदा अली बन रही है दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहे हैं पुलवामा में गरीबों के आशियाने। मीठे इंकलाब की बदौलत पुलवामा जिले में शहद की पैदावार को फरोग देने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन किसानों को इस सन्नत के मुख्तलिफ पहलुओं की अमली तरबियत के साथ साथ शहद के छत्तों की देखरेख के अलावा शहद की मक्खियों को लगने वाली बीमारियों और मुख्तलिफ मौसमों में मक्खी पालन से मुतलिक तरबियत फराहम कर रहा है। मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। हानी मिशन 2017 में मीठे इनकलाब मिशन के तहत शुरू किया गया। इस मिशन के तहत छोटे और दरमियाना कारखानों की वजारत के अहतमाम से शहद के कारोबार से जुड़े किसानों या मकसबानों को शहद की मक्खी पालन और शहद की बेहतर पैदावार से मुतल्लिक अमली तरबियत फराहम की जाती है। इसके अलावा इस प्रोग्राम में मजकूरा सनत में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात और मशीनों के इस्तेमाल की तरबियत भी शामिल है जिससे मजकूरा किसान मुस्तफीद होते हैं। हॉनी मिशन के तहत खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने सामाजिक ताल्लुक के हवाले से अपनी मुसलसल कोशिशों को जारी रखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खुद कफील भारत के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने की एक कड़ी के तौर पर CSIR पुलवामा में जम्मू कश्मीर CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन के साथ एक मुश्तरक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें रामबन, बानिहाल, शोपियां, पुलवामा और बड़गाम के 120 किसानों में 1200 शहद के छत्ते और शहद की कॉलोनियां तकसीम की गई। पुलवामा जिला मगजबानी और शहद की पैदावार के हवाले से नई मंजिलों को छू रहा है। यहाँ के नौजवान इस सन्नत से इसलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि इस इलाके में शहद की पैदावार के लिए माहौल मौजून और माकूल है और यूं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो रहा है। वो रोजगार के हवाले से खुद कफील हो रहे हैं और दीगर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी मशले राह बन रहे हैं। CSIR के नोडल साइंटिस्ट और पुलवामा फील्ड स्टेशन के इंचार्ज साइंटिस्ट डॉक्टर शाहिद रसूल किसानों की माली आमदनी को बढ़ाने में मकसबानी की अहमियत को उजागर करते हुए शहद की मक्खियों को माहौल दोस्त होने के साथ साथ फसलों की पैदावार में कारामद होने के हवाले से किसान दोस्त भी करार देते हैं। KVIC इस जिम्न में किसानों की तरबियत और बेदारी के हवाले से अहम काम अंजाम दे रहा है। उन्होंने मगजबानी और शहद की पैदावार के हवाले से भी नुमाया कारनामे अंजाम देने पर भी KVIC के किरदार की सराहना की। इस मिशन के अंतर्गत हम हमारे फार्मर्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार होता है बी हनी बी प्रोडक्शन के लिए, हनी बी रेयरिंग के लिए या बी कीपिंग के लिए, वो हम उनको देते हैं और साथ ही साथ उसके साथ में बाकी इक्विपमेंट्स में कॉलोनीज होती हैं वो भी हम उनको फराहम करते हैं। ये सारा फिजिकल इनपुट में आता है, इसके साथ हम उनके पास उनको वैल्यू एडिशन जो हनी जनरेट होती है उसके लिए जो वैल्यू एडिशन होती है उसके लिए भी हम उनको असिस्टेंस करते हैं। इवन जो मार्केटिंग होती है जो हनी जनरेटेड होती है उसमें भी हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है और जितना ज्यादा हम हनी नेचुरल सोर्सेज से, बिकॉज वी नो कि J&K लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यहाँ एक हमारे पास एक बहुत वसी जो है फ्लोरा की डायवर्सिटी है और वो डायवर्सिटी फ्लोरा की जो है यूटिलाइज अगर हम कर ले हनी बी प्रोडक्शन के लिए तो हमारे पास इतना रॉ मटेरियल जो है हनी का जनरेट हो जाएगा जो हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की शेप में बेरोनी मुल्कों में भी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है जिसमें खासतौर से जो हमारा हनी हो वो अडल्टर्ड नहीं होना चाहिए,
वो नेचुरल होना चाहिए, केमिकल लोड नहीं होना चाहिए उसमें। इंश्योर करना पड़ेगा कि वैसा हनी हम जनरेट करें ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट भी टैप करें। हैविंग सेड दैट कि अगर इस कमोडिटी का इंटरनेशनल मार्केट है तब तो ये ऑब्वियस है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, रूरल सेक्टर में इनकम और लाइवलीहुड एनहांसमेंट के लिए, एंड ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस सेक्टर में है उसकी शेप और उसकी डेफिनेशन के लिए। मगजबानी और शहद की पैदावार के कारोबार से जुड़े किसानों ने जम्मू कश्मीर में शहद की पैदावार को बढ़ावा देकर किसानों की फलाह बहबूद के हवाले से केवीआईसी और दीगर मुतलका इदारों की मुस्बत और मुखलिस कोशिशों को सराहा और कहा कि शहद की पैदावार से जुड़े कई सरकारी इदारों की हौसला अफजाई किसानों के लिए इंतहाई मुफीद और मौसर साबित हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया है हनी मिशन, तो इस हनी मिशन के तहत हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपोजर विजिट्स हो रहे हैं, इससे फ्री ऑफ कॉस्टिंग बी बॉक्सेस हो रही है, बी कीपिंग इक्विपमेंट्स हो रहे हैं, तो इससे दिन ब दिन रोज़ बर रोज़ तो बेरोजगारी ख़त्म होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका मेरे हिसाब से आजकल हम बी कीपिंग के अगर हम 4 बॉक्स 5 बॉक्स ले लेंगे गवर्नमेंट से तो अगले साल वो 10 बन जाएंगे, क्योंकि इसमें फिर डिवीजन होता है। अगर आपके पास इस साल 5 है तो अगले साल 10 होंगे। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हनी मिशन जो प्रोवाइड किया है, इस हनी मिशन के तहत बल्कि एक ही फ़ायदा नहीं होगा, एक तो इसके पास प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरा इसके पास कॉलोनी भी एक्स्ट्रा हो रही है, और तीसरा इसके पास ये बेनिफिट है कि दिन ब दिन पॉलिनेशन में भी हेल्प हो रहा है। सो एक ही तरीके से फ़ायदा नहीं होता है, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। जो ये इनिशिएटिव लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ये हनी मिशन, इससे जो कश्मीर हनी जो इंडस्ट्री है इसको एक अच्छा खासा बूस्ट मिल चुका है, और यूथ इन्वॉल्व हो रहा है, इससे यूथ को भी प्रॉफिट हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, और जो ये इंडस्ट्री है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आगे चल के फ्यूचर में हनी जो इंडस्ट्री है इसका बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है इंटरनेशनल मार्केट में। शहद को इंसानी सेहत के हवाले से खासी अहमियत हासिल है और इसलिए बाजार में इसकी बड़ी मांग रहती है। जम्मू कश्मीर में शहद की पैदावार के हवाले से एक साजगार माहौल मौजूद होने से यहाँ इसकी पैदावार में खातिरख्वाह इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे मगजबानी से वाबस्ता किसानों और दीगर ताजरों की आमदनी में रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी हकीकत को मद्देनजर रखते हुए दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा नौजवान इस सनत में दिलचस्पी लेते जा रहे हैं और यूं अपने रोजगार के इम्कानात को रोशन करते जा रहे हैं। कुलगाम में बाग मालकान को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से वजीर अजम तरक्याती पैकेज के तहत मिल रही सब्सिडी से पैकिंग और ग्रेडिंग शेड तामीर हो रहे हैं, जिनसे इन किसानों के लिए अपने मेवाजात को क्वालिटी बेहतर करने के अलावा अच्छी आमदनी हासिल करने की राहें हमवार हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के मरकजी इंतजाम वाले इलाके में किसानों को वजीर आजम के तरक्याती पैकेज PMDP स्कीम के दायरे में लाए जाने के बाद सेब के काश्तकारों के लिए पैकिंग और ग्रेडिंग शेडों की तामीर के हवाले से सब्सिडी के साथ कर्जों के फवायद फराहम करने के बाद किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। इस तरह के एक शेड की तामीर की कुल तखमीना लागत तकरीबन 5 लाख रुपए है, जिसमें से 2 लाख रुपए की रकम मरकजी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी के तौर पर दी जाती है। इससे कबल सेब के काश्तकारों को सेब की फसल की काश्त में कई मुश्किल दरपेश थे, उनके पास अपने फलों की पैकिंग और ग्रेडिंग करने की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। इस स्कीम की बदौलत जिला कुलगाम में कई किसान मुस्तफीद हो रहे हैं। जिले के खुड़वनी, रडवनी, कयमू, फ्रिसल, तारीगाम, कोजर और दीगर कई इलाकों में इस स्कीम की बदौलत कई किसान मुस्तफीद हो रहे हैं। किसानों का मानना है कि मरकजी सरकार की मुआवनत वाली इस PMDP स्कीम से उन्हें काफी फायदा हुआ है, जिसके लिए वो मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस स्कीम से दरअसल किसानों को कई तरह के फवायद हासिल हो रहे हैं, जिनमें सेब के बागों के लिए पानी के पाइप, वर्मी कंपोस्ट, सेब की नई नर्सरियां लगाना, बागों में एक पक्के शेड की तामीर और पाली ग्रीन हाउस लगाना काबिले जिक्र है। हॉर्टिकल्चर दफ्तर मे तुल मे दिन यूनिट तो मे आव फायदे अम्स यह जबरदस्त फायदे मंद सान खे
بہ استعمال کر بڑا اصل پہ مے آو فائدہ باغس ام سی کھاد سو گڈ کیا مشکلات گا کھاد ہن مے گا کھاد اس وقت پہ ملان کی آج مے کھاد ہن کھین تہ ضرورت مے بنو پان بنو مے کھاد تم یونٹ ستا مے واریا فائدہ بہت شکر گزار مرکز یم یہ سکیم اس فراہم کر ام سی تل فائدہ تو آئندہ تہ روزو تلان پہ مے پرس خیال والا نرسری بنان پتہ کور مے پہ خیر بہت ہارٹیکلچر دفتر تو یہ ہارٹیکلچر دفتر ووت مے تمہیں اس پہ والا نرسری پتہ دس تمہیں کاغذ واغذ باضابطہ سوری تو کور مے اشو آز مے ہارٹیکل یہ نرسری ہارٹیکلچر زن چھ سر شکر گزار یمو مے سر وز وز مدد کور یمو مے گائیڈ لائن کور مے ژور دہ پانچ دہ یا تری دہ یا پندہ دہ یت گائیڈ لائن کرنے اس خاص کر اس نثار احمد آئے تم کر ظور چکر کر تمو یا چیف صاحبن ام کر پانچ چکر کر چیف صاحبن ام تر زور پانچ چکر یمو مے گائیڈ لائن کر یہ شیڈ ہم کو دیا ہے یہ سیب کی ضرورت میں پڑتی ہے سیب کے کام میں لگتے ہیں اور فروٹ وغیرہ اسی میں ہم رکھتے ہیں اور بارش کے کام میں بھی لگتے ہیں اور موٹر موٹر سب کوئی چیز اسی میں ہم رکھتے ہیں اور جو یہ گھاس وغیرہ یا اور کوئی چیز یا برف باری میں کوئی کام یہاں پڑتے ہیں اس ٹائم میں ہمیں یہ شیلٹر دیتے ہیں یہاں پر کیمو میں گیا تھا کیمو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا اور وہاں ہی انہوں نے میرا مدد کیا اور یہ شیلٹر ہمارا یہ شیڈ ہم نے یہاں بنایا تو آپ کتنے شکر گزار ہیں مرکزی سرکار کے بہت شکر گزار ہے ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں ہر کسان کو یہ ملنا چاہیے ہر کسان کو ضلع کے چیف ہارٹیکلچر افسر لیاقت علی اس سکیم کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پی ایم ڈی پی کی بدولت کلگام ضلع کے پڑھے لکھے نوجوان خاص طور پر اس سکیم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں باغبانی کا محکمہ کسانوں کو ہر طرح کی فائدہ مند سکیموں کے دائرے میں لاتا ہے اور یوں انہیں اپنی محنت کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا حوصلہ بخشتا ہے محکمہ کی طرف سے عملائی جانے والی اس سکیم نے کلگام ضلع میں باغبانی کے شعبے کو چار چاند لگائے ہیں پی ایم ڈی پی کا سوال ہے ہم نے ڈسٹرکٹ کلگام میں اس کے تحت بہت سارے کمپوننٹس پہ کام کیا ہے جیسے ہمارا نرسری ڈیولپمنٹ ہے جس میں ہم نئی نرسریز لگاتے ہیں یا موجودہ نرسریز کو اور ہم امپروو کرتے ہیں جس میں ہم نرسری کی رجسٹریشن کراتے ہیں جس میں ہم نرسری کی ایکریڈیشن تھرو این ایچ بی کراتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہمارا اس میں پروگرام نئے باغ لگانا ہے جس میں ہم مختلف قسم کے اعلیٰ قسم کے پودے زمینداروں میں سبسڈی پہ تقسیم کرتے ہیں جس میں آج نئی نئی ورائٹیز گالا کی آ گئی ہیں نئی نئی ورائٹیز ہمارے پاس ڈیلیشیس کی آ گئی ہیں جو کہ ہم باغوں میں لگاتے ہیں جس سے کلر بھی امپروو ہوتا ہے سائز بھی امپروو ہوتا ہے اور باغبانوں کو اچھا خاصا پیسہ میسر ہوتا ہے اس کے بعد اس اسکیم کے تحت ہم کسانوں میں مختلف قسم کی مشینری چھوٹی یا بڑی بھی دستیاب کراتے ہیں جیسے ٹریکٹر ہے ٹلر ہے ویڈر ہے ایم پی اسپریئرز ہے اور اریگیشن پمپ سیٹ وغیرہ ہے جن پہ ہم مختلف قسم کی سبسڈی گراؤنڈ کو دیتے ہیں جیسے ٹریکٹر پہ ہم 1,00,000 روپے دیتے ہیں ہم ٹلر پہ اگر 8 HP کے اوپر ہے تو 75,000 اگر 8 HP سے نیچے ہے تو 50,000 سبسڈی دیتے ہیں اریگیشن پمپ ہو یا موٹر پاور سپلائر ہو اس پہ ہم ذمہ دار کو یا برش کٹر ہو اس پہ ہم ذمہ دار کو 10,000 کی سبسڈی مہیا کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ہمارا پانی کی سہولیات فراہم کرنے کا بھی پروگرام اس سکیم کے تحت چل رہا ہے جس میں ہم بور ویل بناتے ہیں یا ہم ٹیوب ویل باغ میں بناتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پانی ہمیں کم ہے یا ہم کیا کرتے ہیں واٹر سٹوریج ٹینکس بناتے ہیں جس میں ہم پانی کو ٹمپرری سٹوریج کر کے باغوں میں دعا پاشی کے ٹائم پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں سکیم کے تحت میوے کے سٹوریج کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے کہ باغوں میں اگر میوہ ہم اتارے تو کہاں رکھیں کیسے رکھیں اس کے لیے ہمارے پاس پیک ہاؤسز ہیں جو ہم باغوں میں ہی بناتے ہیں جو باغ میں شیلٹر کا کام بھی کرتے ہیں اور میوے کے ٹمپرری سٹوریج اور پیکنگ وغیرہ میں بھی زمیندار کی مدد کرتے ہیں اس پہ ہم سبسڈی دیتے ہیں 2,00,000 تک اس میں ہم سبسڈی دے دیتے ہیں اس کے بعد کولڈ سٹوریج ہمارے پاس ہے تاکہ میوہ ہمارا اگر رک جائے یا ٹرانسپورٹ میں کچھ پرابلم آ جائے تو ہم کچھ وقت کے لیے اپنے میوے کو اپنی وادی کے اندر ہی سٹور کر سکیں یا اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ہی سٹور کر سکیں اس کے لیے ہمارے پاس کولڈ سٹوریج فیسلٹیز ہیں باغبانی شعبے میں مرکزی سرکار کی اس طرح کی اعانت کاری سے باغاتی کاشتکاروں کو اپنے پھل کے باغات سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے اور ان باغات کو منافع بخش بنانے کے لیے تیار کرنے کے سلسلے میں جو راحت مل رہی ہے اس سے تحریک پا کر وہ باغبانی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ ڈاؤن ٹاؤن سری نگر کی ایک حوصلہ مند اور پر اعتماد نوجوان لڑکی نے کڑھائی یا ایمبرائڈری کے فن میں ایک منفرد پہچان بنائی ہے۔
इस होनहार लड़की ने खुद कफालत की राह पर गामजन होकर अपनी बहुत सारी हमनवाओं को भी इस फन के जरिए रोजगार कमाने का हौसला दिया है। मेहनत, लगन और शौक इंसान की तकदीर को बदलने के लिए अहम शराइत मानी जाती हैं। इसमें जिन्स की कोई कैद नहीं है। मर्द हो या जन, दोनों अपनी तोंगरी और कश्मकश से किसी भी मंजिल मकसूद को पा सकते हैं। हत्ता कि बसावकात खवातीन जिंदगी की दौड़ में मर्दों पर सबकत भी ले जाती हैं। श्रीनगर के डाउनटाउन में बादामवारी इलाके की रहने वाली जमरूदा अली ने अपनी काबिल रश्क सलाहियतों की बदौलत कढ़ाई के अपने फन को इस कदर तराशा है कि सभी उनके काम और अंदाज को देखकर अश अश कर रहे हैं। जमरूदा ने हैंडीक्राफ्ट्स महकमे की रहनुमाई और माली मदद से अपने काम को इस तरह उभारा है कि रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके खूबसूरत काम से मुतासिर होकर अपने माहाना प्रोग्राम अवाम की आवाज में उनकी सराहना की। गवर्नर ने उनके काम की तारीफ करते हुए उनके इस अज़्म को सलाम पेश करते हुए कहा कि जमरूदा ने न सिर्फ अपने रिवायती फन को बेहतर करके पुरकशिश बनाया है बल्कि इसको फरोग देकर नई पीढ़ी में मुंतकल करने की कोशिश की है। जमरूदा ने इस फन को फरोग देने की एक कड़ी के तौर पर खुद अपने ही घर में एक ट्रेनिंग सेंटर कायम किया है जहाँ वो 30 ख्वाहिशमंद लड़कियों को तरबियत देने के अलावा उन्हें रोजगार भी फराहम कर रही हैं। इलावा अजी तरबियत के साथ साथ वो इस फन को महकमे हैंडीक्राफ्ट की मदद से एक ग्लोबल आर्ट के तौर पर उभर रही है और यूं खुद एक मास्टर आर्ट डिजाइनर के रूप में उभर रही है। हैंडीक्राफ्ट महकमे ने जमरूदा अली को बनाने संवारने और उसके अंदर खुद एतमादी को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। जमरूदा ने हैंडीक्राफ्ट महकमे के साथ अगस्त 2015 में रजिस्ट्रेशन की थी। महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर के मुताबिक जमरूदा की कामयाबी के पीछे उसकी मेहनत, लगन, संजीदगी और खुलूस का खासा अमल दखल है। जमरूदा जी का जो नाम लिया ऑनरेबल एलजी साहब ने वो रिस्टोरेंट डिपार्टमेंट के साथ, तो मैं भी बहुत हैप्पी हूँ कि उन्होंने एक हैंडीक्राफ्ट को रिप्रेजेंट किया है, उनका नाम ऑनरेबल एलजी साहब सर ने लिया और उनकी वजह से बाकी भी जो लड़कियां हैं, बाकी भी जो यूथ है वो मुतासर हो जाएंगी, हो गई वो अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट करने में और अपने पैरों पे खड़ा होने में वो कामयाब हो जाएंगी। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट की स्कीम्स है इसमें सबसे पहला जो मेन स्कीम है वो है क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिजन एंड वीवर। कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिजन जो होगा, जिसके पास कार्ड होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो उसके वो पहले रजिस्ट्रेशन कार्ड जब उसके पास होगा तो वो एलिजिबल होता है फिर स्कीम्स को उसका फायदा उठाने में। क्रेडिट कार्ड स्कीम वो स्कीम है जिसमें हम एज डिपार्टमेंट हम आर्टिजन रजिस्टर्ड आर्टिजन वीवर को स्पॉन्सर करते हैं, उसको 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। उन 2 लाख रुपए में उसका जो है रॉ मटेरियल लाना है, कोई भी चीज लाना है, तो ये एक हिसाब से, और उस पर 7% की सब्सिडी भी होती है, इंटरेस्ट सब्सिडी होती है, तो ये उसको विद इन 5 ईयर्स उसको रिटर्न करना पड़ता है। और ये उसको गवर्नमेंट इसलिए देती है बैंक के थ्रू कि ताकि वो अपना कारोबार स्टार्ट करे, अपने टांगों पे खड़ा हो और दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन बने कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो उससे। बस जमरूदा का मानना है कि अपने रिवायती फन को बचाना और इसको फरोग देना वक्त की पुकार है, नहीं तो हमारी पहचान की दास्तान तक न होगी दास्तानों में। हमारा ये रिवायती विरसा देखते ही देखते हमसे दूर होता चला जाएगा और फिर हम कफे अफसोस मनते जाएंगे। यूं इस हवाले से खास और मौसर सरकारी स्कीम की जरूरत है। इस पस मंजर में सरकार यहाँ के रिवायती दस्तकारों की हौसला अफजाई करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रही है। आवाम की आवाज एल जी साहब तबियत मे नाव फखर गो मे दोप तम हूँ मे नाव मे नाव हेन सो मे शौक मे सम करान बढ़ो अ शौक यमो दोप ना इत चोन नाव रोशन गो इत गए गो सोन नाव तस पे पान रोपी दह जन इत ब्या लड़की तेनान जन तेजि वनकें मलिस मा बोज आ बच पर्ना लखना नखवाले क्या कर मलिस मा इत हेल्प मिलान कि अगर बच्च तम कर वनान कि पर्नस पे असर वातान अगर कार कसब कर बचस असर वातान पर्नस पे मगर हर कान पन खाब खयाल इत मे पोर लो कसब कार ते हम मे वो कह नुकसान खुदा ना खास्त मे वो आराम मे कर अशरत इथे कन चस बे दपान बेस तेज मैसेज वात
تِکیٛازِ مٲلِس ماجہِ چھُ بوج گژھان ہلکہٕ یِتھ کٔنۍ، بیٚیہِ چھُ خاص کر پنٕنہِ سوسایٹی منٛز چھُ ناو روشن گژھان، ییٚلہِ پانہٕ رۄپیہِ دہ زینہِ پانس سۭتۍ سۭتۍ چھِ زینناوان بیاکھ تہِ۔ زمرود علی کی کامیابی ہماری سبھی بے روزگار لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ہماری سبھی بہنوں اور بیٹیوں کو زمرودہ کے جوش و ہمت سے حوصلہ پا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی جستجو کرنی چاہیے اور یوں ایک با اختیار اور با عزت زندگی جینی چاہیے۔ وزیر اعظم آواس یوجنا کے تحت پسماندہ لوگوں کے لیے گھر بنانے کا جو سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے، اس کے تحت پلوامہ ضلع کے دیہات میں بھی غریبوں کے لیے گھر بنانے کا کام شدومت سے جاری ہے اور اب تک سینکڑوں مکانات کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جن سے ان غریب لوگوں میں جینے کی ایک نئی چاہ جگی ہے۔ مرکزی سرکار کی سکیم PMAY گرامین پر عمل درآمد کر کے مقامی انتظامیہ جموں کشمیر کے طول عرض میں پسماندہ لوگوں کے لیے گھر تعمیر کروا رہی ہے۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں دیہی ترقی کے محکمے کی طرف سے اس حوالے سے ترقیاتی کام ایک منظم انداز میں جاری ہے۔ محکمے کو اس حوالے سے رواں مالی برس کے دوران ایک بڑی کامیابی تب ملی جب اس سے 555 مکانات تعمیر کرنے کا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں کامیابی ملی، اور اب نئے منصوبے میں 570 دیگر پسماندہ افراد کے لیے گھر بنانے کی نشاندہی کی جا چکی ہے، جن میں سے نصف کے قریب ضرورت مندوں کو مکان تعمیر کرنے کے حوالے سے مالی امداد کی پہلی قسط واگزار کی جا چکی ہے اور اس حوالے سے کام سرعت کے ساتھ جاری ہے۔ اس پورے عمل کا مقصد غریبوں کو اپنا سر چھپانے کے لیے جائی پناہ فراہم کرنا ہے۔ ان باتوں کا اظہار ACD پلوامہ ڈاکٹر پیرزادہ فرحت احمد نے پلوامہ ضلع میں PMAY کی مختلف سرگرمیوں کے حوالے سے ہو رہے کام کا خلاصہ کرتے ہوئے کیا۔ PMAY کی بات کریں تو یہ ایک پاورٹی ایلیویشن سکیم ہے، سوشل سیکیورٹی سکیم، جس میں ہم رہنے کے لیے گھر دیتے ہیں اس کو جو بے گھر ہو یا جس کے پاس کوئی کچا مکان ہو اور اس کی آمدنی اتنی نہ ہو کہ وہ خود سے اس اہل ہو کہ وہ اپنا مکان بنا سکے۔ آنریبل پرائم منسٹر کی ایک سکیم ہے، پرائم منسٹر آواس یوجنا، جس میں ہم ان کو مکان بنانے کے لیے 130,000 پہاڑی علاقوں میں اور میدانی علاقوں میں 120,000 دیتے ہیں، تو جس سے یہ کم از کم اس اہل ہو جائیں کہ یہ اپنا چھوٹا سا مکان بنائیں۔ یہ تین قسطوں میں ان کے پاس پیسہ جاتا ہے، تو پہلی انسٹالمنٹ ہم نے سب کو دے دی ہے سوائے 2-3 کے جس میں کوئی ایشو ہے، تو باقی جتنے بھی تھے ان کو پہلی انسٹالمنٹ ملی ہے، انہوں نے اپنے گھروں میں کام کرنا سٹارٹ کیا ہے۔ جیسے یہ تھوڑا سا کام ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم سیکنڈ انسٹالمنٹ دینے کے لیے ان کو، یہ اہل اس اہل ہو جائیں گے اور یہ ایلیجیبل ہو جائیں گے اور ان کی دوسری انسٹالمنٹ بھی جو ہے وہ وصول کی جائے گی۔ تو ابھی تک ہم نے 450 ایسے گھروں کو سیکنڈ انسٹالمنٹ بھی دی ہے، اور تھرڈ انسٹالمنٹ جو ہماری فائنل انسٹالمنٹ ہے وہ بھی لگ بھگ 350 لوگوں کو، اشخاص کو دی گئی ہے۔ PMAY گرامین سے مستفید ہونے والے مفلوق الحال افراد اس سکیم کی بدولت اپنے آشیانے تعمیر ہونے کی مہم کو مرکزی سرکار کی طرف سے ایک سوغات قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اب تک ان کے لیے نئے گھروں کی تعمیر محض ایک خواب تک محدود تھی، تاہم مرکزی سرکار کی اس غریب نواز سکیم سے اب ان کے یہ سنہرے خواب شرمندہ تعبیر ہو رہے ہیں۔ بہ حض اس ٹینہ شرس مز ڈوکس مز اس بس وی شکر گزار بلاک والین یمو مے مدد کور ونکن چھ مے لاب ژور یت کھڑا ونکن ہیک بہ بہت دار درواز چھن کہین ون ہیکوس موم جام وان جام لگت ہیک بہ بہت اس حض کور گورنمنٹن بلاکن مدد زبردست اس گوس بی گسن ات تہ لہذا چھ اس شکر گزار یمہ گورنمنٹ تہ تہ یمہ پنہ امہ بلاکی اس حض گئی کام یس اس توج تمو مز گئی کامہ پز پہ اپز نو کی وزیر اعظمن کور یہ یہ خیر اس ونو یہ کت اشر پہ اہسا دھت یہ پادشاہن ونان تمس وزیر اعظم یہ سا آو تہندے دست یہ خیر اس درائے امہ دقت من تو مزید گھن نیرن ہم باقی تہ۔ روٹی کپڑا اور مکان ازل سے ہی انسان کی بنیادی ضروریات رہی ہیں، اور ان میں سے مکان کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔
जहां वो दुख सुख और धूप छाव में खुद को महफूज तसव्वुर करता है। यूं जम्मू कश्मीर में इंतहाई गरीब लोगों को PMAY ग्रामीण की बदौलत मकान बनाने का जो सिलसिला मरकजी सरकार की माली मदद से शुरू हुआ है, उससे रियासत के गरीब लोगों में जीने की एक नई चाह जगी है। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।